हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो माय स्वीट फ्रेंड्स? आई होप अच्छे होंगे। मैं हूँ कीर्ति तिवारी, मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और आज मैं एक ही वीडियो में तीन टाइप की ब्यूटी पार्लर कोर्स से रिलेटिव चीज़ें बताऊँगी। जैसे कि पहला हेयर कट, बैंग्स हेयर कट। सेकेंड, आपको पैरों की वैक्सिंग कैसे करनी चाहिए, फुल ग्रोथ वाले पैरों की वैक्सिंग, अंडरआर्म की वैक्सिंग। और गर्मियों में अक्सर पसीने होने की वजह से वैक्सिंग अच्छे से हो नहीं पाती है, तो किस तरीके से करना है वो भी मैं बताने वाली हूँ। तो सब कुछ आपको वीडियो में देखने को मिलेगा, वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत हेल्प मिलेगी आपको। और ब्यूटी पार्लर कोर्स सीखना हो तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, बहुत सारी वीडियोज़ मैं डालते रहती हूँ पार्लर से रिलेटिव और बारीकी से एकदम समझाती हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगी। और मतलब ब्यूटी केयर और हेयर केयर, पार्लर से रिलेटिव हेयर कट, हेयर स्टाइल सब कुछ आपको इस वीडियो में मेरे चैनल में देखने को मिलेगा। तो और भी लोगों को चैनल को शेयर करिएगा, वीडियो को भी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरे प्यारे दोस्तों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुछ भी समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। पहली बार मैं ऐसा वीडियो लगाया जिसमें तीन तीन वीडियो एक साथ ही मैंने डाले हुए हैं, जैसे कि हेयर कट, पैरों की वैक्सिंग और अंडरआर्म की वैक्सिंग। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बैंग्स समझा देती हूँ, जिसका बैंग्स मैंने कट किया था उनका स्टार्टिंग का वीडियो स्किप हो गया, तो उसके लिए मैं अपने पे बता दे रही हूँ। आप उनका मतलब फाइनल लुक मैं उन पे दिखा दूँगी। ओके, तो आपको सबसे पहले ये जो आपका आईब्रो का आर्च होता है, यहाँ से आपको हेयर को इस तरीके से लेके जाना है और वी आकार में हेयर को लेके जाना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से एकदम अच्छे से, इधर से भी और इधर से भी। ओके, इस तरीके से आपको हेयर को उठा लेना है। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हेयर को लेना है, देन इसको टू पार्ट में डिवाइड कर देंगे इस तरीके से, और बैक के हेयर को छोड़ देंगे। आगे वाले हेयर को अच्छे से इसको टू पार्ट में डिवाइड कर लेना है, ठीक है? और बैक पीछे के हेयर को छोड़ देंगे, आगे वाले हेयर को जितना आपको लेंथ कट करनी हो, जैसे उन्होंने यहाँ तक कट कराया था जिसका मैंने कट किया है, जिस गर्ल्स का, तो पहले नोज के पास से कट कर देंगे, देन फिर उसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे। और जब ऊपर की तरफ ले जाके ये वाला हेयर जब साथ में मिलाते हैं तो जो हमने आगे वाला कट किया था उससे हाफ इंच बड़ा पीछे वाले हेयर को कट करना है, तो बहुत ही मस्त सा बैंग्स आएगा। आप देख लीजिए फाइनल लुक इसमें। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने इस तरीके से हेयर को उठाया है बीच में से, तो इस तरीके से आपको ऊपर लेके जाना है और जितनी लेंथ रखनी है वहाँ से आपको स्ट्रेट एकदम कट कर देना है। तो ये वाला बैंग्स कट बहुत ही परफेक्ट आता है। इस तरीके से ऊपर ले लीजिए, जैसे आपका आईब्रो का जो आर्च होता है, दोनों आईब्रो के आर्च से ऊपर की तरफ भी कोण में हेयर को लेके ऊपर की तरफ जाना है और वहाँ से कट कर देना है ये। और इस तरीके का बैंग्स बहुत ही मस्त लगेगा, आप इसको कट कर सकते हो और बहुत ही प्यारा बैंग्स आपका निकल के आएगा। तो आप चाहो तो इस तरीके से कट कर लीजिएगा, थोड़े से बालों को अपने आईब्रो के पास से सीधी उंगली ले जाके पकड़िएगा और उसको ऊपर की तरफ ले जाके इस तरीके से कट कर दीजिएगा और इस तरीके का बैंग्स आपका आ जाएगा, बहुत ही प्यारा लगेगा। तो ये है इनका फाइनल लुक, खुद से भी आप कट कर सकते हो, आपकी जितनी लेंथ चाहिए, जैसे नोज के पास, लिप्स के पास। पहले आप एक बार नीचे हाथ लेके आइए, उसके बाद जस्ट ऊपर लेके जाके और कट कर दीजिएगा। तो मैंने आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो कितने हेयर कट हुए थे वो मैं, ये देखिए कितना प्यारा बैंग्स आया है ना। ओके, तो इतने हेयर इनके कट हुए थे। तो चलते हैं वैक्सिंग की तरफ। सबसे पहले मैं इनके पैरों की वैक्सिंग बता रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ थी इनके पैरों पे। ये देख सकते हैं पट्टियों में कितने ज़्यादा हेयर आए हैं, एक ही स्ट्रिप में इतने ज़्यादा हेयर आ जा रहे थे। तो चलिए किस तरीके से करना है वो मैं बता देती हूँ आपको। तो वैक्स करने के लिए ये देखिए कितना ज़्यादा हेयर निकला था, एक बार खींचने पे ही इतने बहुत बड़े बड़े बाल थे जैसे जेंट्स लोगों के होते हैं। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से आपको नीचे की, पहले पाउडर लगा लेना है नीचे की तरफ, उसकी वजह से वैक्स को भी इस तरीके से नीचे की तरफ लगाना है। मैं यहाँ पर कोल्ड वैक्स यूज कर रही हूँ और इस तरीके से लगाने के बाद से आप देख सकते हैं ग्रोथ इनके पैरों की, पूरा पैर, एक पैर का वैक्स मैं बता दे रही हूँ। आप इसी तरीके से पूरे फुल पैर की भी वैक्सिंग कर सकते हो आप। ये धागा लगा हुआ था तो इसको मैं कट कर ले रही हूँ क्योंकि नीचे के पैरों की वैक्सिंग करने में फिर प्रॉब्लम होगी। तो इस तरीके से वैक्स स्ट्रिप का जो प्लेन वाला हिस्सा होता है वो वाला आपको इसी तरीके से चिपकाना है और अच्छे से रब करना है, और देन पीछे की तरफ से इस तरीके से चमड़े को खींचते हुए ऊपर की तरफ झटके से आपको वैक्स स्ट्रिप को उतार देना है। देखिए कितना क्लीन हो गया। अब इस तरीके से पूरे पैरों की वैक्सिंग होगी, तो किस तरीके से करना है वो आप देख लीजिए पूरा।
अगर आपको वो वाला बैंक से हेयर कट का वीडियो देखना हो पूरा तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं नेक्स्ट टाइम अच्छे से समझा दूँगी। ये थोड़ा सा वीडियो मतलब कट हो गया था, स्किप हो गया, मैंने जो वीडियो स्टार्टिंग से ले रही थी तो इतना ही मैंने सोचा डाल देती हूँ इसमें ताकि आपको समझ में तो आ ही जाएगा। तो ये देखिए कितना ज़्यादा ग्रोथ हेयर की है। अब पैरों इस साइड के पैरों की करनी है, किस तरीके से करना हो आप देख लीजिए, इस तरीके से पाउडर लगा के। ओके, अंडर आर्म की भी वैक्सिंग अभी बताने वाली हूँ तो देखते रहिए वीडियो एंड तक। हैंड की भी वैक्सिंग यहाँ पे की थी मैंने बट उसका वीडियो नहीं लिया, बहुत ज़्यादा ग्रोथ वाली हेयर थी हैंड पे भी। अगर आपको देखना हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ज़्यादा ग्रोथ वाले हाथों की वैक्सिंग कैसे करें ये मैं बता दूँगी। तो इस तरीके से पूरे पैरों पर मैंने वैक्स को फैला लिया है, अब फिर वैक्स स्ट्रिप लगाएंगे। ओके, आई होप आप लोगों को वीडियो, इससे पहले भी मैंने पैरों की वैक्सिंग की वीडियो डाली है, दो तीन वीडियो डाली है तो आप चेक कर लेना, और अंडर आर्म वैक्सिंग की बहुत सारी डाली है, हैंड वैक्सिंग की भी बहुत सारी वीडियो डाली है, और ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको मेरे पास चैनल पर देखने को मिलेगी। तो आप ब्यूटी पार्लर कोर्स सीखना चाहते हो और दूसरे और कोई भी सीखना चाहते हो तो शेयर कर दीजिएगा उसको वीडियो और चैनल ताकि वो जुड़ के अच्छे से सीख पाएँ। पूरा बारीकी से समझा के मैं अपने चैनल पर ब्यूटी पार्लर का कोर्स बताती हूँ तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल के साथ ब्यूटी पार्लर का कोर्स सीखने के लिए। तो इस तरीके से आप पूरे पैरों की वैक्सिंग कर लोगे, और गर्मियों में थोड़ा सा चिपचिपाहट सा होने लगता है और बालों को निकलने में दिक्कत होती है, उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपने पैर जिसका भी वो वैक्सिंग करने वाले हो पैरों को अच्छे से वॉश करवा दीजिए और उसको पहले सुखा लीजिए ड्राई करके, फिर पाउडर लगा के वैक्स करोगे तो आराम से वैक्सिंग हो जाएगा और दिक्कत नहीं आएगी। तो ये देखिए हो गया ना काफ़ी क्लीन, इस तरीके से पूरे पैरों पर चिपका के आप अच्छे से पैरों की वैक्सिंग कर लोगे, और जब वैक्सिंग हो जाए तो पैरों को अच्छे से वो साफ़ करके मॉइस्चराइज़र लगा दीजिए ताकि उससे दिक्कत ना हो कुछ। जैसे बहुत ज़्यादा हार्ड हेयर होते हैं तो दाने दाने से निकल जाते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, वो बाद में ठीक हो जाते हैं, लेकिन तुरंत रिलैक्स के लिए आप मॉइस्चराइज़र और गुलाब जल कुछ भी लगा सकते हो। ओके, तो ये पैरों की वैक्सिंग कम्प्लीट होगी, अब चलते हैं अंडर आर्म्स की तरफ कि उसकी वैक्सिंग आपको किस तरीके से करनी है। ओके, तो इस तरीके से आप भी कर सकते हो, आई होप आप लोग को हेल्प मिल रहा हो मेरा वीडियो देख के। तो ये हैं जिनका अंडर आर्म वैक्सिंग करना है, तो आप देख सकते हैं कितनी ग्रोथ है, थोड़ा कैमरा जो वीडियो ले रही हैं उनकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो पहले मैंने यहाँ पे अंडर आर्म को अच्छे से वॉश किया है, उसके बाद से पाउडर लगाया है, आप देख सकते हैं इनकी ग्रोथ सारी ऊपर की तरफ से जा रही है, तो मैं वैक्स भी ऊपर की तरफ से ही लगाऊँगी, जिधर से हेयर की ग्रोथ होती है उधर ही से आपको वैक्स लगानी है। तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक होगा, अगर आपके साथ भी ऐसा हो जाए तो मैं आपको बता रही हूँ कि क्या करना चाहिए। तो इस तरीके से वैक्स लगाया मैंने और इसको इसके ऊपर वैक्स स्ट्रिप लगाई, जो वैक्स स्ट्रिप की का प्लेन वाला हिस्सा होता है उसको आपको यहाँ पे चिपकाना है, इस तरीके से अच्छे से रब करना है और पीछे से स्किन को खींचते हुए अच्छे से, जब चिपक जाए तो थोड़ा सा यहाँ पर पाउडर लगा लीजिए ताकि और भी वैक्स और हेयर अच्छे से चिपक जाए उसके लिए। ओके, गर्मियों में अक्सर ऐसा टाइम आता है कि अच्छे से हमारी वैक्स नहीं हो पाती है, तो ये देखिए मैंने पीछे से खींचा और आधे हेयर तो निकल गए बट आधे नहीं निकले, तो उसके लिए आपको क्या करना है, दोबारा से अंडर आर्म को वॉश करेंगे और फिर से पाउडर लगा के और वैक्स करना है। तो आप वीडियो में देख लीजिए कि किस तरीके से करना है, इतने हेयर पहले की वैक्सिंग मैंने यहाँ पर कम्प्लीट कर दिया। अब अंडर आर्म में सबसे पहले मैंने अंडर आर्म को वॉश किया, उसके बाद उसको टॉवल से ड्राई कर लिया, अब उसके बाद इस पर पाउडर लगाएंगे। आप देख सकते हैं ग्रोथ इस साइड से, बट इनकी अंडर आर्म की वैक्सिंग करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, दो तीन बार स्ट्रिप लगा के करना पड़ेगा। तो आप देखते रहिए वीडियो। तो ये पहले ऊपर की तरफ से मैंने वैक्स लगाया इस तरीके से। ओके, उसके बाद से वैक्स स्ट्रिप लगाएंगे। अच्छे से चिपकाने के बाद से इस तरीके से खींचेंगे, देखिए क्लीन हो गया, बस थोड़ा बहुत जो बचा है उसी पट्टी को चिपका के आप निकाल लीजिए। ओके, तो ये पूरा क्लीन हो गया, अंडर आर्म को अच्छे से साफ़ करेंगे और फिर टॉवल से ड्राई करके मॉइस्चराइज़र लगा देंगे।
और बहुत सारी अंडर आर्म की वीडियो डाली है, अच्छी सी सिर्फ अंडर आर्म की वीडियो देखने के लिए आप चेक कर लीजिएगा। ओके, तो ये अंडर आर्म की वैक्सिंग भी कंप्लीट हो गई है, जहाँ पे भी है उसको पट्टी लगा लगा के मैं अच्छे से निकाल दे रही हूँ। तो ये क्लीन हो गया, अभी वॉश करके मॉइस्चराइज़र लगा देंगे। तो ये अंडर आर्म की भी वैक्सिंग कंप्लीट होगी। आई होप आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी होगा। इस ये देखिए कितने ज़्यादा वैक्स शेप पे बाल आए हुए हैं, ये लेग के, हैंड के, सब मतलब जो भी हुआ था उसका वैक्स शेप पड़ी थी। तो मैंने बहुत सारी वैक्स शेप थी, बट मैंने यहाँ पे दो ही की वीडियो ली है। ओके, आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो और बहुत हेल्प मिला हो। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों में जिसको भी आप जानते हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल के साथ जुड़ पाए, हमारी फैमिली इतनी से इतनी बड़ी हो पाए और बहुत सारी चीज़ें आप लोग को सीखने को मिल पाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। तो बाय गाइज, लव यू गाइज़।